ये दोनों भैया जब राजमार्ग पर बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का गान करने लगे तो सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े इस कथा को सुनने के लिए। पूरा राजमार्ग खचाखच भर गया। उसी समय राजा रामचंद्र की सवारी निकल रही थी। एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज राजमार्ग पर आपका रथ जा ही नहीं पाएगा। राम जी ने आश्चर्य से पूछा, राजमार्ग पर इतनी भीड़ क्यों है? उस सैनिक ने कहा, महाराज दो नन्हे नन्हे बालक आए हैं, उनके गान में अद्भुत क्षमता है, सारे अयोध्यावासी पागल होकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग उनके द्वारा कही जाने वाली कथा सड़क पर बैठकर सुन रहे हैं। राम जी को महान आश्चर्य हुआ। राम जी रथ छोड़ करके पैदल चल करके आए और आकर के देखा दो नन्हे नन्हे बालक कथा का गान कर रहे हैं। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, आप यह कथा हमें सुनाओगे? दोनों बालकों की आंखों में आश्चर्य तैर गया, है कौन? दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखे। श्री राम समझ गए, यह जानना चाहते हैं मैं कौन हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मैं अयोध्या का राजा राम हूं। इतना सुनना था कि दोनों की आंखों में फिर से चमक आ गई। गुरु जी ने कहा था, यदि वहां के राजा रामचंद्र सुनना चाहे तो उन्हें जरूर सुनाना। दोनों बालकों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम यह कथा आपको जरूर सुनाएंगे। राम जी ने दोनों बालकों को बड़े भाव से हृदय से लगाया, लेकर के आए, एक उच्चासन पर बिठा दिया, इन दोनों बालकों का पूजन किया। पूजयामास पूजा रहो, दोनों बालकों का पूजन किया। भैया लक्ष्मण को बुलाया, भैया भरत को बुलाया, भैया शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, सुनो पूरे अयोध्या में यह सूचना प्रसारित कर दो, जो भी काव्य का गान सुनना चाहे वो सब पधारो, सब लोग आओ, संपूर्ण परिजन पुरजन वासियों के साथ भगवान श्री राम कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। कुशलौजी ने कथा आरंभ करी। सारे लोग तो सामने सन्मुख बैठकर कथा सुन रहे थे, लेकिन राम जी तो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन राम जी भी सिंहासन पर नहीं बैठे रहे। सचापि रामः परिषदगतः सनैर बुभू सया सक्त मना बभूव, स रामोपि सनैः परिषदगतः झटिति उत्थाय गमने, परिषदो अभ्युत्थानात् रसभंगो भविष्यति इति मन्दं मन्दं सिंहासनाद अवतीर्य परिषदं प्राप्तः। राम जी भी धीरे से सिंहासन से उतर करके और सामने जाकर के श्रोताओं में बैठ गए। हमें राम जी से कथा सुनने सीखना चाहिए। राम जी नीचे जाकर क्यों बैठ गए? का वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुननी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिधर वक्ता का मुंह है उधर आपका मुख होगा, तभी तो मुख देखकर कथा सुन पाएंगे। देखिए कथा तो लोग माइक से भी सुन सकते हैं, लेकिन वक्ता के मुखचंद्र को देखकर कथा जो सुनी जाए उससे रसबोध ज्यादा होता है। सिद्धांत बोध ज्ञान बोध तो कान में सुनकर हो जाएगा, लेकिन रसबोध तभी हो सकता है जब आप वक्ता के सन्मुख बैठ करके कथा श्रवण करें। इसलिए राम जी सामने चले गए। तीसरी बात, राम जी को कहीं ना कहीं ये लगता है कहीं ये मेरे बेटे ही तो नहीं है, क्योंकि बिंबादि उत्थितो बिंबौ राम देहा तथा परौ, देखने में तो ऐसे ही लगते हैं जैसे दो छोटे से राम जी हो, अब पुत्र भी तो राम जी के ही हैं। तो इनके मुखचंद्र को देखने से राम जी को श्री जानकी जी के मुखचंद्र की याद आती है। श्री जानकी मुख आह्लाद का सादृश्य जो है, इनके मुखचंद्र के आह्लाद की समानता दोनों में दिखाई देती है। तो भगवान श्री राम इतने वर्षों से जानकी वियोग का अनुभव कर रहे थे, श्री राम अब अपने को वंचित नहीं रखना चाहते, कहीं न कहीं श्री जानकी जी के मुखचंद्र की
मुखचंद्र के आह्लाद की वह समानता का आभास इनके मुखचंद्र के आह्लाद में है, इसलिए राम जी सामने बैठ करके अपने नेत्रों को चषक बना लिया, इन दोनों बालकों के रूपामृत का पान करने लगे।